14 फरवरी को आने वाले वैलेंटाइन डे प्यार करने वालों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। वैसे तो वैलेंटाइन डे हर लव बर्ड के लिए खास है, लेकिन आज हम आपको मशहूर गायिका लता मंगेशकर और डूंगरपुर राज परिवार के राज सिंह डूंगरपुर की प्रेम कहानी के बारे में बताने वाले हैं। दोनों के बीच प्यार हुआ, लेकिन राज सिंह का परिवार दोनों की शादी के लिए राजी नहीं हुआ। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन ताउम्र दोनों ने शादी नहीं की। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है आखिर किस कदर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लता भी क्रिकेट में दिलचस्पी दिखाती थी और राज भी उनके गाने के कायल थे। कहा तो यह भी जाता है कि राज अपने साथ लता के गानों का एक कैसेट जेब में लेकर चलते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब राज ने अपने पिता से लता संग शादी करने की इच्छा जताई तो उन्होंने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि आम लड़की राजघराने की बहू नहीं बन सकती। शादी ना होने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, कई चैरिटी में साथ में काम किया, हालांकि दोनों की मोहब्बत केवल याद बनकर रह गई। राज सिंह का जन्म राजस्थान के डूंगरपुर में 19 दिसंबर 1935 को एक राज परिवार में हुआ। वे डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह के छोटे पुत्र थे। राज सिंह ने 1955 से 1971 के दौरान 86 प्रथम श्रेणी मैच खेले। उन्हें 16 साल तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला और करीब 20 साल तक बीसीसीआई से जुड़े रहे। 12 सितंबर 2009 को उनका निधन हो गया। राज सिंह डूंगरपुर के कहने पर लता मंगेशकर ने 2007-08 में राज्यसभा सांसद रहते हुए डूंगरपुर हॉस्पिटल में 25 लाख की लागत से एक हॉल बनवाया। आदिवासी इलाके में मात्र शिशु कल्याण के लिए यह राशि दी गई। शुरुआती समय में इसमें हॉस्पिटल का गायनिक ओपीडी चल गई, लेकिन अब इस भवन में ART सेंटर चल रहा है। इस हॉल पर लगी अवनाना पट्टियों पर लता मंगेशकर का नाम लिखा हुआ है। वहीं इस हॉल की पहचान लता मंगेशकर के नाम से ही है।